धमतरी जिले में भकारा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार युवक के कब्जे से देसी शराब बरामद की गई। बता दें कि भकारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कोपेड़ी में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध रूप से शराब बेचते एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजकुमार खुटे के पास से देशी शराब बरामद की है और बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। आज दिनांक 21/24 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब लेकर जा रहा है। इस सूचना पर मैं हमारा स्टाफ को रवाना किया था। स्टाफ के द्वारा कुपेडी पुल के पास एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब ले जाते पकड़े। आरोपी राजकुमार खुटे पिता स्वर्गीय राम प्रसाद खुटे ग्राम कुपेडी का रहने वाला है। उनके कब्जे से 45 नग देसी प्लेन शराब जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर ज्ञानवापी की तरह धार स्थित भोजशाला का एसआई सर्वे आज से शुरू हो गया। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में पहुंची। टीम ने भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद मजदूरों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सर्वे टीम पहले चरण में दोपहर 12 बजे तक काम करी। वहीं सर्वे को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोजशाला में एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार, सीएसपी, 3 डीएसपी और 8 थाना प्रभारी सहित 175 का पुलिस बल तैनात किया गया। शहर के हाई राइज भवनों पर भी पुलिस तैनात की गई है। शहर में 25 चौराहों पर पुलिस का फिक्स पॉइंट बनाया गया। 4 पुलिस मोबाइल भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं।